आजा आजा शानू, आज से तुम इसे अपने ही घर समझो। जी जी बिल्कुल। माशाल्लाह, घर तो खूब भरा हुआ है। लगता है इसका मियाँ खूब कमाता है। पैसे की तो खूब रेल फैल है इसके घर। क्या हुआ शानू, क्या सोच रही हो? नहीं नहीं, बस वैसे ही बाजी। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। और वैसे भी तुम तो आज हमारी मेहमान हो ना, कल से अपने लिए खुद बनाती रहना। आप कौन? जी मैं वो, अरे मैंने आपको बताया तो था, वो ये शाजिया है, मेरी खालाजाद बहन। खाला? वो जिनका भी रिसेंटली इंतकाल हुआ। क्या कर रहे हैं आप? आपको कहा भी था फिर भी। आई एम सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ। मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। अच्छा आप जाएं, आपको देर नहीं हो रही। जो हुकुम सरकार का। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जानो तुम बैठ जाओ, ठीक है, परेशान नहीं हो। अरे मैं अपना पर्स तो यहीं भूल गई, मैं अभी आती हूँ। लगता है शोहर को बिल्कुल काबू में रखा हुआ है बाजी। जबी तो उनकी मर्जी के बगैर हिलते तक नहीं। और एक हम हैं जो इतने हसीन होने के बावजूद। सुना है कि मर्द के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। फिर तो यकीनन बाजी के खानों ने अपना काम किया होगा। जबी तो वो इतने नाज और नखरे उठाते हैं। शानू, ये तुम हर वक्त क्या सोचती रहती हो? नहीं बाजी, कुछ नहीं, बस वैसे ही। मैं जानती हूँ वालदैन के बगैर ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन अब क्या करें, ज़िंदगी गुजारनी भी तो है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह की मर्ज़ी। ज़िंदगी भी तो अल्लाह की दी हुई नेमत है ना। मुझे देखो, मेरे भी वालदैन नहीं है, मैं भी तो जी रही हूँ ना। बाजी आपकी तो बात ही अलग है, और आपके साथ अली अली जी ठीक है ना? हाँ तुम ठीक कह रही हो, अली बहुत अच्छे। लेकिन शानू, ताली एक हाथ से नहीं बजती। मैं भी तो अली के साथ बहुत अच्छी हूँ ना, लेकिन फिर भी अल्लाह का लाख लाख एहसान है, अली बहुत अच्छे। अरे तुम किचन में गर्मी में क्यों खड़ी हुई हो? तुम जाके सुकून से कमरे में एसी में बैठो, मैं खाना देखती हूँ। चलें भाई, बिस्मिल्लाह करें अब। अच्छा आपका ख्याल है कि अभी भी बिस्मिल्लाह ना करें? अरे भाई बहुत शदीद भूख लगी है मुझे, जल्दी से लाओ मेरी प्लेट। कौन सी दो मुझे? जनाब अभी भी वेट करना होगा आपको, क्योंकि सबसे पहले खाना मेरी शानू खाएगी। लो शानू। सही है भाई, जहाँ दो खवातीन जमा हो जाएं, वहाँ फिर एक मर्द की क्या जगह। ठीक है मैडम, जैसे आपका हुक्म। तौबा भाई, मैं आपके ताने मजीद नहीं सुन सकती। ये लें, आपकी भूख तो अल्लाह ही माफ़ करे।
रोटी निकालो। क्या हुआ शानू, किसका इंतजार कर रहे हो भाई? खाने को इंतजार नहीं करवाते, शुरू करो। लो ये लड़की भी ना। ये क्या बनाया है तुमने? क्या हो गया आप? आपकी पसंदीदा डिश तो बनाइए। खुदा का वास्ता है तुम्हें, ये मेरी पसंदीदा डिश है, नमक से बनी हुई। क्या कह रहे हैं? देख लिया खुद खा के, नमक से भरी हुई है। लेकिन इतना नमक कैसे हो गया? मैंने तो अपने हिसाब से डाला था। जी, कोई गायबी मखलूक आई और इसमें नमक डाल के चली गई, तुमने तो डाला ही नहीं। अच्छा, आई एम सॉरी, पता नहीं कैसे हो गया ये, आइंदा से नहीं होगा। अली, बाहर से ले आए ना खाना, देखे ना शानू ने कुछ भी नहीं खाया है। बाहर से ले आए, क्या कहूँ मैं तुम्हें, बाहर से ले ला रहा हूँ। सबीहा, सबीहा, सेबी। जी अली, क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था मेरे कपड़े जरा अच्छे से प्रेस कर देना, मैंने मीटिंग में जाना है। लेकिन मैंने प्रेस की तो थी। माशाल्लाह, ये अच्छे से प्रेस किए। अगर ये अच्छे से प्रेस किए हुए हैं तो पता नहीं फिर बुरे कैसे होते। अली, मुझे अच्छे से याद है, मैंने शर्ट को बहुत अच्छे से प्रेस करके रखा था। देखो सेबी, अब तुम बच्चों जैसी बातें मत करो। अगर तुमने ये सही प्रेस किए होते तो इतने खराब कैसे नजर आ रहे होते? मेरे और तुम्हारे अलावा ये आता कौन है? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये इतनी खराब कैसे हो गई? मैं पिछले कई दिनों से नोट कर रहा हूँ, तुम घर के कामों में सही इतना ध्यान नहीं देती, तवज्जो से काम को हाथ नहीं लगाती, खुसूसन जब से वो बच्ची आई है। आई एम सॉरी अली, लेकिन अल्लाह गवाह है कि मैंने बहुत अच्छे से प्रेस की थी शर्ट। देखो, ये सिर्फ मेरे इन कपड़ों की बात नहीं है कि ये सही तरह प्रेस नहीं हुए, तुम घर के कामों में अब तवज्जो नहीं देती। खाना कैसा बनाने लगी? कभी नमक ज्यादा, कभी मिर्चें ज्यादा, कभी पानी ज्यादा, और चाय तो मैंने पीनी छोड़ दी तुम्हारी वजह से। बहुत बुरी चाय बनाने लगी हो तुम अब। आई एम सॉरी अगेन अली, मैं इनका ख्याल रखूंगी। देखो सफिया, ख्याल रखो, अगर नहीं रखोगी तो मुझे फिर अपना ख्याल सही से रखवाना आता है, मेरी और तुम्हारी राहें जुदा हो सकती हैं, फिर शिकवा नहीं करना मुझसे। बाजी का मुंह ना देखने लायक था, इतना सा रह गया था। खैर, उन दोनों के दिलों में जो एक दूसरे के लिए मोहब्बत थी ना, वो मैंने खत्म करवा दी है। बस अब एक कील ठोकनी बाकी रह गई, और सोचती हूँ कि इससे पहले जरा जनाब को अपनी मासूमियत के जलमों से आशना करवा दूँ। क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही करूंगी। पहले बाजी का किस्सा तो तमाम कर दूं, इसका किस्सा तो चुटकियों में तमाम कर दूंगी। और वैसे भी औरतों की अदाओं के सामने मर्दों की आंखें खुलती ही कब है? और जब तक इसे पता चलेगा कि सारा किया धरा मेरा है, जब तक ये खुद दुआओं का मोहताज हो जाएगा। और आप शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कैसी घटिया सोच रखती हो तुम। मैं तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा हूं, तुम क्या निकली? क्या हुआ अली? शानू, पूछो अपनी इस बहन से, ये बहन के लिबास में छुपी हुई डाइन, ये किससे बात कर रही थी और क्या बात कर रही थी? बाजी मुझे माफ कर दें, मैं शैतान के बहकावे में आ गई थी, प्लीज अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दें। मेरा दिल करता है तुम जैसी औरतों को संसार कर दूं, जो दूसरों का एतबार खराब करती हैं और हंसते बसते घर को तबाह कर देती हैं। हम तुम्हें अपने बच्चों की तरह समझ रहे थे, तुम्हारा ख्याल रख रहे थे, और तुम मेरे और सेबी के दिलों में नफरत पैदा करती रही, क्यों, किस लिए बताओ मुझे?
प्लीज बाजी, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दे। मैंने आपसे कहा ना, मुझे शैतान ने बहका दिया था, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दे बाजी। अपना सामान पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हें एक सेकंड यहां नहीं देख सकता। इसे कहो यहां से चली जाए, मैं वापस आऊं तो मुझे इस घर में नजर ना आएगी। बाजी प्लीज मुझे माफ कर दें, प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दें बाजी। बात अगर मेरे तक होती ना तो शायद मैं माफ भी कर देती, लेकिन मेरे शौहर के हकूक की बात है, मैं माफ नहीं कर सकती। बेहतरी इसी में अपना सामान उठाओ और यहां से चली जाओ। Ha ha ha!